कश्मीर फाइल्स फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री कराने की मांग बीजेपी ने की है। वहीदा आजाद ने इसका विरोध किया और कहा कि देश हित में अगर ये फिल्म है तो टैक्स फ्री कीजिए, नहीं तो अगर सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मण के नाम पर टैक्स फ्री के पक्ष में हम नहीं हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण के साथ हैं, लेकिन बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस समय बीजेपी समर्थित सरकार और जगमोहन को राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। फिल्म जो बना है वो फिल्म यदि राष्ट्र हित में बना है तब उसको टैक्स फ्री किया जा सकता है, नहीं तो सिर्फ इस नाम पे कि वहाँ पे पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, हम लोग इसके पक्षधर नहीं। और जगमोहन गवर्नर थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी गवर्नर भेजा था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। एक तो यह याद रखना चाहिए लोगों को, कांग्रेस का उसमें कोई है नहीं और कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके दर्द के साथ हैं हम, उनके तकलीफों के साथ हैं हमको, उनके फिर से बसावट होनी चाहिए और ये मांग हमेशा हम उठाते रहे हैं। बिल्कुल टैक्स फ्री कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिहार में टैक्स फ्री होना चाहिए, ऐसी फिल्में जो सच्चाई के आधारित हो उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सत्य को कौन इनकार करेगा कि जगमोहन जी जब गवर्नर थे और भाजपा के सहमति से सरकार थी, उसी सरकार के जमाने में 1990 में यह हुआ था।